नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल और स्वागत है आपका मेरे चैनल सीए अमित बंसल पर। और आज हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट बैठे हुए हैं, सीए कपिल जैन जी, जो इस बार एनआईआरसी का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी राय आईएमएस के बारे में, जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अभी जीएसटी के अंदर आने वाला है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आईएमएस के बारे में? सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आईएमएस, आईएमएस है क्या? देखिए, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो आईएमएस के फुल फॉर्म है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये वाला एक नया फीचर है पोर्टल के ऊपर, जिससे कि किसी भी रिसीपेंट को अपना आईटीसी लेने में, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में सहूलियत होगी। और ये जो आईएमएस का सिस्टम है आपको पोर्टल पर दिख जाएगा। कब से सर? 14 अक्टूबर से, ठीक है ना। हालांकि जो आईएमएस को लेकर जीएसटी पोर्टल पे पूरा ड्राफ्ट मैनुअल आया है या जो उसके एफएक्यूज आए हैं, वहां पर एक आध जगह लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर से आ जाएगा, लेकिन मेरा मानना है वो 1 अक्टूबर से आपको नहीं दिखेगा, वो 14 अक्टूबर से आपको दिखेगा सर। थैंक यू सर। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि वो 1 अक्टूबर से आने वाला है, तो दैट इज रियली वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइए कि आईएमएस क्या सिर्फ डीलर जो सप्लायर्स हैं या फिर जो इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, ये किसको इंपैक्ट करने वाला है? देखिए, पहले ना आप इसको समझिएगा, आईएमएस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये ना दो वर्जन में आईएमएस आएगा, एक आएगा हमारा इनवर्ड सप्लाई में और एक आएगा आउटवर्ड सप्लाई में। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, लेट सपोज करो मैं एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, अगर मुझे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में देखना है तो मैं किसको देखूंगा, मैं इनवर्ड सप्लाई को देखूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा भी होगा कि मैं आईएमएस के अंदर जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई मैंने बिल चढ़ाए हैं, वो ये भी देख सकता हूं कि मेरे रिसीपेंट ने उन्हें एक्सेप्ट करा है या नहीं करा है। तो आईएमएस दो सिस्टम पर आएगा, एक इनवर्ड सप्लाई के लिए सर आएगा और एक आउटवर्ड सप्लाई के लिए आएगा। अभी जो सिस्टम है जो 14 अक्टूबर से आएगा वो इनवर्ड सप्लाई का आएगा, ठीक है ना। तो जितना भी मुझे आईटीसी का मैनेजमेंट करना है कि भाई मेरा कितना आईटीसी मेरे लिए एलिजिबल है, क्या मेरे जीएसटीआर 1 में सामने वाले सप्लायर ने बिल डाला या नहीं डाला, ठीक है ना, क्या मैं किसका आईटीसी ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता, किसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ किसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, वो सारा का सारा मैं इनवर्ड सप्लाई के अंदर देखूंगा। ओके, तो क्या ये मैंडेटरी है सभी के लिए या हम ऑप्शनल भी ले सकते हैं और इसको पोस्टपोन कर सकते हैं अगले महीने के लिए या उसके अगले महीने के लिए? अब इसमें ना सर मेरे को एक कहावत याद आ रही है, ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो अगर आप इनके एफएक्यू पढ़ोगे तो उनके एफएक्यू में क्लियर लिखा हुआ ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक दो केस ऐसे बताऊंगा कि जिसमें आपको लगेगा ये मैंडेटरी है। तो पहले तो इस चीज को समझो कि ये आईएमएस वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन कुछ केसेस में मैंडेटरी बन सकता है। सर मैं बताऊं किस केसेस में मैंडेटरी बन जाएगा? सर यहां पर ना हमने हमारी जो मैगजीन आती है उसमें ये सारी चीजों को बताया है। सर जैसे कि मान लो, सपोज करो मेरा सप्लायर है, उसने एक बिल डाला, तो चाहे मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं, अगर मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा तो सर वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। तो इस वाले केस में ये क्या हो गया सर? ऑप्शनल हो गया, चाहे मैं उसे एक्सेप्ट करूं रिजेक्ट ना करूं कुछ नहीं करूं मैं, तो मेरा सिंपल जैसे सिस्टम चलता रहा चला रहा है। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत है, लेकिन अगर मेरे सप्लायर ने एक क्रेडिट नोट इशू करा, मेरे सप्लायर ने क्या करा, एक क्रेडिट नोट इशू करा जिससे कि उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, भाई क्रेडिट नोट वो इशू कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो यहां पर सिस्टम क्या कर रहा है कि भाई क्रेडिट नोट से सप्लायर अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, तो कपिल जैन तुम इस आईएमएस के अंदर या तो इसे एक्सेप्ट करोगे या तुम इसे क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, आप इसे पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। ओके, आप इसे पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर इन वाले कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ये फील आएगा कि भैया ये ऑप्शनल नहीं है, ये क्या है, मैंडेटरी है जी। तो क्या सर हम इसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि इसकी वजह से अब हमारे रिकंसिलेशंस जो पहले हम क्वार्टरली या साल के एंड में करते थे, अब हमें वो मंथली करने पड़ेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने साथ में? देखो भाई, जितने भी अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी एडवोकेट्स देख रहे हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अपने क्लाइंट से 1 अक्टूबर से फीस बढ़ा लेना, क्योंकि इसमें तुम्हारा काम बढ़ने वाला है, तुम्हारा इसके अंदर काम बढ़ने वाला है, तुम्हारी रिकंसिलेशन बढ़ने वाली है, ठीक है ना। हम तो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर, केडी के सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है ना, उसमें मैं एज ए कंसल्टेंट भी हूं। तो उस सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप कराया है आईएमएस के लिए,
ठीक है ना, कि भैया IMS का जो सिस्टम है आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर लो, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रहे कि क्या क्या इनवॉइस एक्सेप्ट हो गए, क्या क्या इनवॉइस रिजेक्ट हो गए, कौन से पेंडिंग है, तो ये सारा रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। तो सर मार्केट के अंदर जो मैंने एक सिस्टम सुना है उसमें तो ये कह रहे हैं कि अब सिस्टम ड्रिवन होता जा रहा है ये पूरा का पूरा एक्ट। अब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन अपने इनवॉइसेस को खुद ही एक्सेप्ट कर सकता है, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि रिकंसिलेशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं अब हमारे सामने लिटिगेशन के मैटर्स बहुत आने वाले हैं। नहीं नहीं, उसमें क्या होगा ना सर, देखो ये जो ITC मिसमैच वाले इश्यूज है ये थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि ये बिजनेसमैन खुद कर लेगा, पता चला बिजनेसमैन ने गलती से रिजेक्ट कर दिया, मान लो सामने वाले ने इनवॉइस इशू कराया सर और उसे गलती से रिजेक्ट कर दिया, अगर गलती से एक बार रिजेक्ट हो गया क्या तुम्हें उसका ITC मिलेगा? आंसर इज नो। तो इनवॉइस ऐसा प्रोविजन है या कुछ ऐसे प्रोविजन है, अगर वहां पर तुमने एक गलती करी तो वो एक गलती आपको भारी पड़ने वाली है। ठीक है सर, और बताएं सर क्या पूछना चाहते हैं सर? तो एक बार अगर हमने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो तो इनवॉइस हो गया ना सर। और उधर इनवॉइसिंग है, उधर इनवॉइसिंग है, वो क्रेडिट नोट कैसे इशू करेगा? तो इसके अंदर IMS के अंदर सर जो साइट है उस पर 34 क्वेश्चन दिए हमने, उन्हें क्या करा समराइज करके और एग्जाम्पल के सहित अपने 22 क्वेश्चन, जो हमारा सर अक्टूबर महीने की मैगजीन आ रही है ना, हमारी 4.5 साल से मैगजीन आती है सर, हर महीने आती है, तो अक्टूबर महीने की जो मैगजीन है ना उसके अंदर हमने दिया है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को सब्सक्रिप्शन करना है या तो सर से कॉन्टेक्ट कर ले या हमारी टीम का नंबर सर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से मैगजीन ले सकते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, तो इस वीडियो को सर यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।